वेलकम टू व्याख्या यूट्यूब चैनल एंड इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारे पास जो नोटिफिकेशन आ चुका है एसएससी सीजीएल का, राइट। और यहाँ पे देख पाएंगे तो ये अपलोड किया गया था वेबसाइट पे 3 अप्रैल को 2023 में। ठीक है, अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाते हैं ssc.nic.in पर, तो यहाँ पे जो है आप ये देख पाएंगे तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, राइट, 3 अप्रैल का नोटिफिकेशन। इसको जब ओपन करते हैं आप तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो इस वीडियो में जो है हम इसे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इस नोटिफिकेशन को, और इसमें क्या एज है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फ़ीस कितनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं डेट के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आप देख पाएंगे यहाँ पर। तो डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 3 अप्रैल से ही चालू है और 3 मई तक है, राइट। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 3 मई की है, ठीक है, जो कि है 23, यानी कि जो आपके 11 बजे तक का रहता है टाइम। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन तो फिल कर देते हैं बट जो फ़ी पेमेंट जो करते हैं आप, ठीक है, ऑनलाइन, वो है आपकी 4 मई तक, यानी कि उसके अगले दिन तक जो है वो आपका यहाँ पे फ़ी पेमेंट के लिए टाइम दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद। देन लास्ट डेट एंड टाइम जो है फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, ठीक है, जो चालान के थ्रू देना चाहते हैं वो जो है वो उसके थ्रू भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 4 मई जो है वो उसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक वो है 5 मई। इसी तरह यहाँ पे डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, मतलब पेमेंट इंक्लूडिंग है इसके अंदर, और इसके अंदर जो है आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसमें अगर कोई करेक्शन रहता है, ठीक है, पेमेंट होने के बाद, तो उसमें जो टाइम दिया गया है वो है 7 मई से लेकर 8 मई के बीच में जो है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल जो है ऑफ Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है आपका Tier 1 जो होता है वो आपका एक्सपेक्टेड जो दे रखी है यहाँ पे वो मंथ बता रखा है, ठीक है, जुलाई 2023 का। और जो आपका स्केड्यूल जो है उसका टेंटेटिव ऑफ Tier 2 का जो है, ठीक है, वो अभी तक नहीं बताया, वो आपका आगे बताया जाता है, राइट। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका पे लेवल बताया गया है, ठीक है, एंड यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट है, ठीक, और यहाँ पर जो है मिनिस्ट्रीज जो है वो बताई गई है। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, आप नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं, वीडियो के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है तो वहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंदर है, राइट, और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल तक की है, ठीक है, ग्रुप बी में आता है ये। एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो है ये यहाँ पर इसका डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है, इसकी भी 18 से 30 तक की है, और इसका पे लेवल जो है 8 है, ठीक है, और यहाँ पर आप इस बैंड को देख सकते हैं। उसके बाद 7 वाला जो पे लेवल है इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स ये हैं, ठीक है, जिनकी ये अलग अलग है, CSS है, IB है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, AFHQ है, राइट। तो ये सारे ग्रुप बी वाले हैं यहाँ तक, और इनकी जो है अलग अलग जो एज लिमिट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, इसकी 20 से 30 है, ठीक है, जो थर्ड है, और उसके बाद 18 से 30 जो है वो इस फोर्थ की है, और 20 से 30 जो है लगभग ये यहाँ 7th तक है। तो ये आप जो है अच्छे से डिटेल चेक कर लें, ठीक है, जब भी आप, क्योंकि आपको प्रेफरेंस देने होती है और ये सारी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करना होता है, तो वो आप अच्छे से देख लें। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ग्रुप बी, 18 से 30 है इसकी भी। असिस्टेंट एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज़ में है, ग्रुप बी, 18 से 30 है इसकी भी। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स जो है CBDT जो है ग्रुप सी, 18 से 30 है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBIC ग्रुप बी, 18 से 30, और इसके अंदर जो है इंस्पेक्टर
प्रिवेंटिव ऑफिसर भी है, सेंट्रल एक्साइज है, प्रिवेंटिव ऑफिसर है, और 13वें पे जो है वो है एग्जामिनर, ठीक है, इंस्पेक्टर। उसके बाद है यहाँ पे 14 पे असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, और यहाँ पे आप एनफोर्समेंट एंड रिवेन्यू जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर देख पाएंगे, यहाँ पे ग्रुप बी में आता है। और 18 से 30 है इसकी, सब इंस्पेक्टर जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, CBI, जो कि ग्रुप बी है 20 से 30, एंड इंस्पेक्टर पोस्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप बी 18 से 30 है, एंड इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ग्रुप बी 18 से 30 है। उसके बाद लेवल 6 आता है, पे लेवल 6 में जो है यहाँ पे देख पाएंगे तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है अदर मिनिस्ट्रीज़, ठीक है, ग्रुप बी 18 से 30 का है। यहाँ पर ये लेवल जरूर चेक कर लेना है आपको कि लेवल 8, 7 और 6 में यहाँ पर ये अंतर रहता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है CBIC जो है ग्रुप बी 18 से 30 है, रिसर्च असिस्टेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स ग्रुप बी 18 से 30 है, डिवीज़न अकाउंटेंट ऑफिसेस अंडर कैग CAG, ठीक है, ग्रुप बी 18 से 30 है, CNAG है ये, ठीक है। सब इंस्पेक्टर जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA जो है ग्रुप बी 18 से 30 है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है MHA, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप बी जो है 18 से 30 है इसका, जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ग्रुप बी 18 से 32 है यहाँ पर। उसके बाद है यहाँ पे लेवल 5, तो यहाँ पर ये इसका जो पे बैंड है, ठीक है, ऑडिटर, यहाँ पर ये 3 जो है ऑडिटर की है बट अलग अलग में, यहाँ पे CNAG, ठीक है, और 18 से 27 है, ग्रुप सी में आता है ऑफिस, ऑफिस अंडर CGDA ग्रुप सी 18 से 27 है, अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ग्रुप सी 18 से 27 है यहाँ पर ऑडिटर की। उसके बाद है अकाउंटेंट, ये 2 हैं अकाउंटेंट की, राइट, ऑफिस अंडर CNAG एंड ग्रुप सी 18 से 27 है, एंड उसके बाद कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ग्रुप सी 18 से 27 है। उसके बाद अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ग्रुप सी 18 से 27 है यहाँ पर। उसके बाद है पे लेवल 4, जो कि इतना है यहाँ पर, पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप सी 18 से 27, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन क्लर्क सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्ट्रीज अदर देन CSCS कैडर, ठीक है, ग्रुप सी 18 से 27, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस है, ठीक है, MES, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आता है, ग्रुप सी 18 से 27 है। टैक्स असिस्टेंट CBDT में और टैक्स असिस्टेंट जो है CBIC में, ग्रुप सी है 18 से 27 है। सब इंस्पेक्टर जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ग्रुप सी 18 से 27 है, राइट। तो ये यहाँ पर हमने जो है पोस्ट देख लिए हैं, डिपार्टमेंट देख लिए हैं, कौन से ग्रुप में आता है, एज लिमिट देख लिया, पे लेवल देख लिया है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, यहाँ पर ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है, यहाँ पर एज लिमिट भी मैंने आपको वहीं पर बता दी है, ठीक है, और यहाँ पर फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 से 27 जो है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका बॉन्ड का और इन सब का दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो दिया गया है वो SC ST के लिए जो है 5 साल का दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का है, PWBD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का, और PWBD OBC के लिए 13 साल का, ठीक है, और PWBD SC ST के लिए 15 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का है, तो ये सारा डिटेल में जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा जो है आपका वीडियो से रिलेटेड एंड डाइवोर्स्ड और सेंट्रल गवर्नमेंट है कोई, ठीक है, एम्प्लॉई है, तो वो यहाँ पे जो है उन सभी की एज लिमिट यहाँ पे दे दी गई है। उसके बाद हम और थोड़ा नीचे आते हैं, जो आपका ये सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट रहेगा वो भी आप यहाँ पे चेक कर लेना है आपको इस नोटिफिकेशन के एंड में, और इसको पूरा प्रॉपरली ढंग से एक बार रीड आउट करके देन आप फिल करें। यहाँ पे जो है आपके क्वालिफिकेशंस जो है
वो यहाँ पर मैं जस्ट एक पोस्ट के लिए दिखा देता हूँ, देन उसके बाद नीचे जो है आप जाके इसको प्रॉपरली आप देख सकते हैं। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर जो है उनके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी हुई है, बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ठीक है। डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है, मास्टर इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन सब में हो सकता है। तो ये डिज़ायरेबल है कि होगा तो अच्छा है, ठीक है, बट एसेंशियल जो है वो ये है। और यहाँ पर ये जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट रिक्रूट सेल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्टिव ब्रांचेस फॉर कन्फर्मेशन एंड रेगुलर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। यहाँ पर जो है आपको क्वालिफाई करना होता है ये वाला एग्जामिनेशन जो आपका प्रोबेशन के बाद होता है, ठीक है, देन उसके बाद आपको जो है यहाँ पे परमानेंट अपॉइंटमेंट मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर स्टेटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए जो बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट द 60% मार्क्स इन द मैथमेटिक्स एट द 12th स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद द स्टेटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर जो है स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड का है, उसकी यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो ये आप चेक कर लीजिएगा पढ़ के, ठीक है। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसके अंदर यहाँ पर बैचलर डिग्री है, डिज़ायरेबल जो है वो यहाँ पर ये दी हुई है, राइट। एंड ऑल अदर पोस्ट के लिए जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट, राइट। तो यहाँ पे अदर पोस्टर्स के पोस्ट के लिए जो है ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं, तो ये आप एक बार प्रॉपरली चेकआउट कर लेंगे तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे आप अप्लाई के लिए भी आप देख सकते हैं लिंक, जैसे ओपन होता है वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है आपको, तो आप वहाँ पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, और आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है तो उससे आप लॉगिन करने के बाद वहाँ पे अपना फिल करेंगे पूरा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये इसी SSC की वेबसाइट पे यहाँ से आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को, और अगर रजिस्ट्रेशन ID और ये सब है तो यहाँ से आप पासवर्ड और उसके थ्रू रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू लॉगिन करने के बाद देन आप वहाँ पे फिल कर सकते हैं इसको। यहाँ पर अब बात आती है एप्लीकेशन फ़ीस की, तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो है 100 रुपये, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड SC ST और पी मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ जो है एक्स सर्विस मैन जो एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फी, यानी कि यहाँ पर इन सभी की फ़ीस नहीं है, ठीक है। आप इन तरीकों के थ्रू जो है आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन फी कैन बी पेड बाय कैंडिडेट अप टू 4 मई, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 बजे के आसपास तक, ठीक है। और करेक्शन के लिए सारी डिटेल्स आपको पहले ही ऊपर बता दी गई हैं, तो उसको आप एक बार चेकआउट कर लें, ठीक है। सेंड जो रीजंस होते हैं आपके वो आपको ध्यान जरूर रखने हैं कि आपका कौन सा रीज़न आता है और कहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात रहती है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे सेंट्रल रीजन जो है इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश वाला जो है ये एरिया आता है, और इसके अंदर जो है ये सारे जो है सिटीज़ आएंगी, राइट। उसके बाद ईस्टर्न रीजन जो है उसमें अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड आइलैंड और झारखंड एंड उड़ीसा सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल ये जो हैं इसमें आते हैं, और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है कर्नाटका केरला रीजन KKR, ठीक है, इसके अंदर जो है लक्षद्वीप एंड कर्नाटका एंड केरला आएगा, और इसके अंदर ये सारे सिटीज़ आएंगे। मध्य प्रदेश सब रीजन जो है MPR, इसके अंदर छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, इसके अंदर ये सारे आएंगे रीजन। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है NER, इसमें अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड एंड त्रिपुरा, ठीक है, इसके अंदर ये सारी सिटीज़ आएंगी। एंड उसके बाद है नॉर्दर्न रीजन दिल्ली राजस्थान एंड उत्तराखंड आता है इसमें, तो इसके अंदर जो है ये सारी सिटीज़ आती हैं आपकी। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न सब रीजन जो है NWR, इसमें चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख पंजाब ये सारे रीजन जो है इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आता है साउथर्न रीजन
जिसमें है आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना, इसके अंदर ये जो है ये सारे आते हैं। इनके राइट साइड में जो है ये सभी के एड्रेस भी दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, रीजनल डायरेक्टर्स के, तो ये आप चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद वेस्टर्न रीजन जो है दादर नागर हवेली एंड दमन दीव, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इनकी जो है ये सारी सिटीज़ जो हैं ये यहाँ पर हैं, ठीक। उसके बाद आता है यहाँ पर स्कीम फॉर एग्जामिनेशन, टायर वन और टायर सेकेंड जो है वो हमने अभी देखा कि इन दो में रहता है, इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा इसमें, ठीक है। और जो यहाँ पे स्कीम है टायर वन की वो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 25 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, 50 नंबर होंगे इसके, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस जो हैं 25 हैं और मार्क्स जो रहेंगे इसके मैक्सिमम वो 50 हैं, और इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें चार पार्ट रहेंगे, ठीक है, टायर वन के अंदर, और टोटल जो है इसमें आपके यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट, और ये एक घंटे का रहेगा। और यहाँ पे देख पाएंगे तो ये आपका टायर वन का था, उसके बाद सेकंड जो है वो टायर सेकंड है, और टायर वन में जो रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है MCQ, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है ये लैंग्वेज में, एंड नेगेटिव मार्किंग जो है 0.50 है, ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। सेकंड एग्जामिनेशन जो रहता है इसमें क्या रहता है, पेपर वन एंड पेपर टू और पेपर थ्री रहेगा इसमें टायर टू में। तो इसमें क्या रहता है कि सेक्शन वन जो रहेगा उसमें मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी, मॉडल मतलब सेक्शन वन के अंदर मॉडल वन और मॉडल टू है, ठीक है, एक में है मॉडल वन में तो मैथमेटिकल एबिलिटी, दूसरे में है रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। 30-30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 180 नंबरों का होगा, ये टोटल क्वेश्चंस हो गए इसमें सेक्शन वन में 60। इसी तरह सेक्शन टू है, इसमें टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेंगे 70, यानी कि मॉडल वन मॉडल सेकंड जो है इसमें इंग्लिश है फर्स्ट मॉडल में, जनरल अवेयरनेस है सेकंड में, इंग्लिश जो है 45 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस, ठीक है। टोटल जो मार्क्स हो गए 210 के हो गए इसका। ये जो है पेपर वन जो है एक घंटे का रहेगा, और इसमें फिर थर्ड सेक्शन जो आता है उसमें मॉडल वन जो रहता है वो कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल रहता है, इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 नंबरों का रहेगा, ठीक है। और 15 मिनट्स फॉर ईच मॉडल, तो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना है कि इसमें ये हो सकता है कि आपका जो है हर एक सेक्शन जो है सेक्शन क्या यहाँ पे हर एक जो मॉड्यूल है उसके लिए क्या रहेगा, वो विंडो ओपन रहेगी जब तक आप उसके क्वेश्चंस को करते हो, और टाइम जैसे ही होगा वो मे बी आपका जो है आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, फिर आप रिटर्न में नहीं आ सकते हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखना है आपको। सेक्शन सेकंड जो है इसमें ये 15 मिनट का है, सेशन सेकंड जो होगा इसमें सेशन, ठीक है, इसमें सेशन में भी डिवाइड किया हुआ है कि सेशन वन जो है वो 2 घंटा एंड 15 मिनट का है, और उसके बाद सेशन सेकंड जो है वो आपका 15 मिनट का है, जिसमें सेक्शन थर्ड आएगा और मॉड्यूल सेकंड आएगा, जिसमें डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल होगा, ठीक है, वन डेटा एंट्री टास्क रहेगा इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है 15 मिनट का रहेगा। उसके बाद पेपर सेकंड जो आता है वो आता है स्टेटिस्टिक्स, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, 2 घंटे का रहेगा ये दोनों मिला के। एंड पेपर थर्ड जो है ईच पेपर, मतलब हर एक पेपर जो है 2-2 घंटे का रहेगा, ठीक है। एंड पेपर थर्ड जो है वो है जनरल स्टडीज़ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, जो इससे रिलेटेड जो पोस्ट फिल अप करते हैं उसके लिए ये रहता है, और यहाँ पे 100 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तो 2 घंटे फॉर ईच पेपर है, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे बात कर ली, और यहाँ पे आप प्रिसाइजली देख सकते हैं कि पेपर वन में जो है सेक्शन वन सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड है, और उसमें मॉड्यूल वन मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल वन मॉड्यूल सेकंड मॉड्यूल वन और मॉड्यूल सेकंड, इस तरह यहाँ पे दिए हुए हैं हर एक सेक्शन में, राइट। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इतना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था। और इसका डिटेल्स सिलेबस जो है वो आप यहाँ वीडियो में तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो, और इसको मैं जो है नोटिफिकेशन का लिंक जो है वीडियो के नीचे दे देता हूँ। इस पर एक व्याख्या वीडियो हमारी जो वेबसाइट है यहाँ पर हम एक पोस्ट राइट आउट करवा देंगे, तो जिससे कि जो है आप यहाँ पर जो है इसको प्रॉपरली अच्छे से पढ़ सकते हैं, और जो भी आपकी क्वेरीज रहती है तो वो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिलअप करके जो है आप सबमिट कर सकते हैं, राइट। और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लगी है, और फ्यूचर में आने वाले और भी नोटिफिकेशंस और
रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए जो है चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और भी अपने फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स जो भी हैं जो इसकी तैयारी कर उनको जो है शेयर करें, जो भी इसको फिल करना चाहते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। तो जिससे कि जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिल सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।